नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। विधानमंडल के दोनों सदनों में और ये इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 इसको पेश किया गया है और आपको इसकी पृष्ठभूमि ज्ञात है कि 2005 में जब बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से केंद्र की तर्ज पर प्रति वर्ष ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है और ये 12वां इकोनॉमिक सर्वे ये विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर पेश किया गया है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण उसको दो खंडों में पेश किया गया है। खंड एक के अंदर और 9 विभाग या 9 विषयों पर जो कुल मिलाकर राज्य की जो अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू है, वृहद सिंहावलोकन जिसको कह सकते हैं, यह पहले चैप्टर जिसमें 9 चैप्टर हैं, स्टेट फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, वो लिखा हुआ है। और दूसरा जो खंड है, इस दूसरे खंड के अंदर और बिहार की जो महत्वपूर्ण कुछ जो नई पहल प्रारंभ की गई बिहार में, जैसे 7 निश्चय, जीविका, शराबबंदी, जो बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण का जो काम हुआ है, ये नीम कोटेड यूरिया, बिहार के अंदर जो बाढ़ आई उसका जो मुकाबला किया गया, कुपोषण, इम्पावरिंग विमेन एंड गर्ल्स इन बिहार, हेल्थ इन बिहार, ऐसे 9 अलग अलग विषयों पर भी और एक प्रारंभिक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है और उसका क्या प्रभाव हुआ है उसके बारे में बताया गया है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक ओवरव्यू जो दिया गया है, बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, तो मैं हर चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को थोड़ा एक्सप्लेन या उसके बारे में कल आपका ध्यान आकर्षित कर दूंगा। तो बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, इसके अंदर आप देखेंगे लिखा है कि द इमीडिएट पास द ग्रोथ रेट, जो विकास दर है वो जहां 15-16 में 7.5% था विकास दर, वह 16-17 में 10.3 है, जिसको ग्रोथ रेट का हम बार बार जो जिक्र देखते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी इन बिहार वाज 7.5% इन 15-16 एंड 10.3 इन 16-17, और जबकि देश की जो विकास दर है वो उस दौरान करीब 7% के करीब थी। तो बिहार की जो विकास दर है वो केंद्र के विकास दर की तुलना में 15-16 में 7.5 और 16-17 में 10.3% रहा है। उसी प्रकार जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, ये 15-16 में जो ऑल इंडिया का जो एवरेज था उसका ये 31.6% था, जो बढ़कर 16-17 में 32.4% हो गया, यानी प्रति व्यक्ति आय में 15-16 की तुलना में लगभग 1% की वृद्धि और दर्ज की गई है। उसी प्रकार जो स्टेट फाइनेंसेस, आप अगर स्टेट फाइनेंस के पहले है कि जो 5 वर्षों में जो ग्रोथ हुआ है उसमें किन क्षेत्रों में ग्रोथ ने और प्रभावित किया है, उसका आप देखेंगे, माइनिंग एंड क्वेरिंग 67.5, मैन्युफैक्चरिंग 25.9, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन 13.5। अब स्टेट फाइनेंसेस, जो पहला पॉइंट है कि बिहार एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है इस समय,
रेवेन्यू सरप्लस का मतलब है कि जितनी हम हमारी आमदनी है, राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट, और उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप मानकर साधारणतया जो है ये वेतन पेंशन ये साधारणतया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, और इससे जो पैसा बचता है वो रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है। तो रेवेन्यू सरप्लस जहाँ 12-13 में 5,101 करोड़ था, ये बढ़कर 16-17 में 10,819 करोड़ हो गया, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू बी 14,556 करोड़ ड्यूरिंग 17-18। ये रेवेन्यू सरप्लस होना एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन माना जाता है। आप रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जो वित्त आयोग है वो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स को और मदद करता है, लेकिन बिहार पिछले अनेक वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, और इसलिए जो रेवेन्यू सरप्लस जो होता है उसका आप दूसरे विकास कार्यों में उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। जो डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो विकासात्मक राजस्व व्यय है, उसके अंदर इंक्रीज बाय 79% फ्रॉम 35,817 करोड़ टू 64,015 करोड़, और ये जो और उसी प्रकार ये पॉइंट नंबर 3 है, ऑफ द टोटल कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का मतलब होता है कि एसेट क्रिएशन पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, सड़क पर, पुल पुलिया पर, एक का वेतन पर खर्च कर रहे हैं, लोगों को अनुदान दे रहे हैं साइकिल के लिए, बाकी के लिए, उसमें संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये जिसको कैपिटल आउटले का मतलब होता है कि वो पैसा जो शुद्ध रूप से जिसे संपत्ति का निर्माण होता है, ऑफ द टोटल कैपिटल आउटले, पूंजीगत परिव्यय, हिंदी में है पूंजीगत परिव्यय, ऑफ द टोटल कैपिटल आउटले ऑफ 27,208 करोड़ इन 16-17 एज मच एज रुपीज, और 27,208 करोड़ में 21,526 करोड़ 79% वाज स्पेंट ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक सेवाओं पर खर्च हो रहा था, इसे 5,236 करोड़ यानी 25% ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे रोड ब्रिज पर, 5,739 ऑन पावर प्रोजेक्ट्स, 1,796 करोड़ ऑन इरिगेशन एंड फ्लड प्रोजेक्ट्स। यानी ये जो 27,208 करोड़ रुपया जो 16-17 में कैपिटल आउटले पूंजीगत परिव्यय था, इसमें 21,526 करोड़ यानी लगभग 80% जो है ये आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया गया, जिसमें 5,326 करोड़ रोड और ब्रिजेस पर, 5,739 करोड़ पावर प्रोजेक्ट्स पर, और 1,796 करोड़ इरिगेशन और फ्लड प्रोजेक्ट्स पर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितने किलोमीटर सड़क है, तो द डेंसिटी ऑफ सड़कों का घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर में कितना किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है, तो बिहार तीसरे नंबर पर है, और ये 218.8 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है ये 139.1 वर्ग किलोमीटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट नंबर 3, रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स, जो निबंधित वाहन है उसके अंदर भी करीब 12% की लगातार वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। द नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन, 2001 में जहां बिहार में
केवल 10 लाख टेलीफोन का कनेक्शन था, ये 2017 में बढ़कर 8 करोड़ 49 लाख हो गया। यानी 2001 में मोबाइल फ़ोन नहीं था, बहुत कम था, मोबाइल फ़ोन आ गया तो लेकिन बहुत नाम मात्र का था। तो द टेलीफोन कनेक्शन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख इन 2001 टू 8 करोड़ 49 लाख इन 2017। तो 11 करोड़ की आबादी के बिहार में 8 करोड़ 49 लाख टेलीफोन कनेक्शन है। और टेली डेंसिटी बोलते हैं घनत्व, ये 1.2 था 2001 में, जो बढ़कर 61% हो गया। और 11-12 में जहां 1712 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, और 16-17 में बढ़कर 3769 मेगावाट हो गई, जो लगभग 120% की और वृद्धि है। और जिसको कहते हैं पीक डेफिसिट, यानी जिस समय सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है उस समय डेफिसिट कितना है, वो 12-13 में 30% था, वो घटकर अब केवल 14% रह गया है। पेज नंबर 4 में द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्लान 18-19 में और 1659 मेगावाट अतिरिक्त पावर की हम अलग अलग सोर्सेज से व्यवस्था कर रहे हैं। द टोटल अवेलेबल कुल उपलब्ध 18-19 में 5563 मेगावाट बिजली 18-19 में और बिहार के अंदर उपलब्ध हो सकेगी। मित्रों, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको बैंकों के द्वारा कर्ज दिया जाता है, तो बिहार को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के नाते कि बैंकों ने भरोसा जताया स्वयं सहायता समूहों पर, एंड बिहार इज बीन अवार्डेड एट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिंकेज टू स्वयं सहायता समूह। और दूसरा है आर सिटी, ये हर जिले में एक बैंकों के द्वारा और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आर सिटी का निर्माण किया गया है। उसमें गया का जो आर सिटी है और ये स्वयं सहायता समूह को जो क्रेडिट लिंकेज दिया गया, उन दोनों मामले पर भारत सरकार ने बिहार को सम्मानित किया है।